थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इतना सादा प्यार आप सभी लोगों से मिलता है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को भी यहां पर जितने लोगों को प्यार सम्मान ये मिल रहा है आप सभी लोगों, इससे भी ज़्यादा हजार गुना मान सम्मान हमेशा जिंदगी भर मिलता रहे, ऐसे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। और मेरा नाम प्रेम सिंघानिया है। गुरुजी कहते हैं कि नाम में बड़ा दम है, लेकिन शुरुआत में इस नाम में बिल्कुल दम नहीं थी। और मैंने आज से लगभग 2.5 साल पहले काम की शुरुआत की थी, और जब मैंने काम की शुरुआत की थी मेरे पास सेकंड हैंड बाइक हुआ करती थी, और मन में बड़े बड़े सपने हुआ करते कि एक दिन ये करूँगा, एक दिन वो करूँगा, फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा, कहानी बनाया करता था, जैसे आज आप लोग बना रहे होंगे कि एक दिन मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, मेरा भी सम्मान होगा। इस प्रकार से मैं भी कहानी बनाया करता था, लेकिन पता नहीं था कि अमीर आदमी बनते कैसे, अमीर आदमी बना कैसे जाता, ये कुछ भी नहीं पता था, बस सपने थे। मुझे केवल अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी वो था एक अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं भगवान से केवल एक ही बात की दुआ करता था, भगवान मुझे एक बार रास्ता दिखाइए, आप एक बार रास्ता दिखाइए। अगर असील बाप का ना हुआ तो ना अचीव कर लिया तो हमने, असील बाप का अगर ना हुआ तो। और जब मैंने शुरुआत की मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ना पैसे थे, मैंने अपनी मम्मी की चीज गिरवी रखी, मम्मी की गुल्लक फुड़वाई, चैन अंगूठी रखी, सारी रखने के बाद में काम की शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद में एक महीने में 2,500 रुपये कमाए थे हमने, 4,000 रुपये का पेट्रोल फूका था हमने। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो चीज गिरवी रखने के बाद में 4,000 रुपये का पेट्रोल फूके उसके बाद में 2,500 रुपये कमाए, कोई होगा? कोई नहीं होगा। लेकिन मुझे केवल एक बात इस धंधे में मैंने सीखी, बाद बाकी मुझे कुछ नहीं पता था। इस धंधे में बढ़ने का कारण केवल एक है, जो मैंने केवल एक बात सीखी कि इस धंधे में आने के बाद में जो आपके गुरुजन कहते हैं वो आपको करना है और लगातार करना है, आपके सारे लेवल अचीव होते हैं। और मैंने दूसरे महीने काम करना शुरू किया, दूसरे महीने मेरी इनकम 7.5 थी, 15 थी, तीसरे महीने इस तरीके से बढ़ती चली गई। और ये बंदा जिसने पल्सर सेकेंड हैंड बाइक से शुरुआत की थी, 13 महीने के अंदर 22 लाख रुपए की MG एक्टर कार पे चलता हूं, 13 महीने के अंदर ली थी 22 लाख रुपए की। और मैंने जीवन में, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, मैंने तो देखे भी नहीं थे, पापा के अकाउंट में भी अगर लाखों रुपए आए होंगे तो लोन से आए होंगे। लेकिन मैं अपने खानदान का इकलौता ऐसा इंसान हूं जो हफ्ते में इनकम लिया हूं लाखों में इनकम लिया हूं। मैं अपने खानदान का इकलौता ऐसा इंसान हूं जो विदेश घूम के आया हूं। मैं अपने खानदान का इकलौता इंसान हूं जो 22 लाख रुपए की गाड़ी पे चलता हूं मैं, 22 लाख रुपए की। आज मजा इस पे नहीं आता है, मजा इस बात से आता है जब मेरे मां बाप चलते हैं ना तो कहते हैं मेरी औलाद 22 लाख की गाड़ी पे चलती है, 22 लाख की। जब शर्म आती थी मेरे मम्मी पापा को, आज से 2.5 साल पहले मेरे घर में जब रिश्ता आते थे ना हमारे, मम्मी पापा शर्मा जाते थे, कहा बताएं लड़का हमारा क्या करता है, कहा बता दें जोड़ने जाड़ने वाला काम करता है, ना तो दुकान है अपनी कि दुकान दिखा दें, ना कोई नौकरी है अपनी, जो नौकरी दिखा दे तो क्या बताएं। पापा हमारे कहते थे लल्ला हमारा केवल इधर जाता है, उधर घूमता है, इधर घूमता है, बाद बाकी हमें नहीं पता क्या करता है। केवल ये बोलते थे केवल। लेकिन आज ये स्लीपियस वेलनेस के बदौलत ये बंदा आम इंसान, अगर मैं स्ट्रगल की बात करूंगा, मैंने मजदूरी से लेके 12 साल, क्योंकि बचपन से ही कुछ लोगों के अंदर चाहत होती है ना बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, अपने अंदर भी चाहत थी, मेहनत से कभी डरते नहीं थे। 12 साल की उम्र में मजदूरी की, उसके बाद में दिल्ली में जाके विशाल मेगा मार्ट, MTS, वीडियोकॉन, इवेल्यूजर, यहां पर मैंने नौकरी की, 2,500 रुपए में नौकरी करता था, 8 घंटा ड्यूटी होती थी, 16-16 घंटा करके ओवर टाइम करके पैसा बनाता था। इस बंदे ने ऑटो चलाया हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे जिन्होंने मुझे देखा है ऑटो चलाते हुए। मैंने मोमोज का काम किया हुआ है, मोमोज भी बेचा हुआ है, और आज थंडर ब्लास्ट बेचने से 22 लाख की गाड़ी बेचा तो इससे पहले भी है। लेकिन स्लीपियस वेलनेस का प्रोडक्ट अगर बेचा तो जिंदगी सांस से जियो, तो ज्यादा समय है नहीं हम लोगों के पास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी गुरुजनों का मैं धन्यवाद।